टुकु जो है वो रेडी हो गया है कहाँ जाने के लिए। टुकु इतू मतलब आधा बोतल पानी जो है वो बेड पे गिरा दिया है। मैं बना रही थी खाना और हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, वो भी कुछ काम कर रहे थे। जैसे टुकु तोरा तोरा आ रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, पति तो लैपटॉप लेकर बैठ गए हैं और देख रहे हैं पंचायत सीरीज। आपने अगर ये सीरीज नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार देख लिया तो फिर आपको बार बार देखने को मन करेगा। और मुझे भी दिखा रहे थे सीरीज़, बट मुझे बहुत सारा काम था अभी। इन दोनों का लंच पैक करना था क्योंकि इनको जाना है ऑफिस और डुकू को जाना है स्कूल, इसलिए मैं सीधे आई किचन में और अभी बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि हमने अभी सुबह का चाय भी नहीं पिया है क्योंकि हम सोकर उठे थे। थोड़ी देर बैठ के बातें कर रहे थे, उसके बाद से इन्होंने सीरीज लगा दिया, तो मैंने बोला कि नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आई किचन में चाय बना रही हूँ। और तेल लगाने के बाद ना चेहरा मतलब लगता है बीमार बीमार सा। वैसे मेरे साथ हमेशा होता है जब भी मैं तेल लगाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मतलब मैं कितने से बीमार हूँ। तो कोई नहीं, आज हेयर वॉश करूँगी तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अभी मैं बनाने वाली हूँ लंच, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। चैनल पर जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 8 अभी और मैं डुक के लिए बना रही हूँ नाश्ता। आज मैं डुकू को देने वाली हूँ मैगी, क्योंकि मैगी मैंने कभी दिया नहीं है। आज मैं सोच रही हूँ कि अपने छोला बनाऊँ, तो इसलिए डुकू को मैं छोला नहीं देती, मतलब वो ऐसे खाता भी नहीं है और तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो पचता नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं देती। तो इसलिए मैं बना रही हूँ उसके लिए आज मैगी है। वैसे ओट्स देती हूँ, पराठा देती हूँ, रोटी देती हूँ, बट आज मैं उसके लिए मैगी बना रही हूँ। तो बन चुका है अभी, मैं जा रही हूँ फटाफट उसका जो लंच बॉक्स में डालने। और आज बन रहा है डुकू के लिए मैगी, सिंपल सा मैगी। आप छोड़ दीजिए ना उसको, सुन रहे हैं? उसको अपने पे छोड़ दीजिए बाथरूम में, छोड़ दीजिए जाइए उसको, सदा फोन दे दीजिए बाथरूम, आपको लेट होगा, हम तब तक उसको तैयार कर देंगे। तो डुकू को मैगी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज उसको मैगी दे देते हैं, और मतलब इजी भी हो जाएगा। और मैं बनाऊंगी फिर बाद में छोले छोले और चावल। आज हमारा मन है क्योंकि चावल बहुत काफ़ी टाइम हो जाता है खाए हुए, क्योंकि उनका इनके ऑफिस की वजह से हम चावल नहीं खा पाते हैं। रोटी पराठा जो भी है वही ले जाते हैं। आज मेरा मन हुआ कि आज थोड़ा चावल खाते हैं, तो आज चावल और छोले ही मैं बना रही हूँ। और ये भी लेकर जाएंगे चावल छोले ऑफिस, और फिर मैं भी जो भी है वो मैं खा लूँगी, मैं भी वही खाऊँगी। तो चलिए व्लॉग में बने रहिएगा। हे एवरीवन, सो डुगू नहाकर हो रहा है तैयार और डुगू को जाना है स्कूल। तो डुगू के पापा डेली डुगू को नहला देते हैं और कपड़ा वगैरह जो भी है वो पहना देते हैं, बट उनसे बाल नहीं बनता है तो कहते हैं कि बाल तुम बना दिया करो। तो मैं यहाँ पे बाल बना रही हूँ, डेली ही डुगू के बाल में मैं तेल लगा देती हूँ, क्योंकि डुगू का बाल बड़ा है तो वो उसको दर्द होता है, इसलिए मैं तेल लगा रही हूँ। और उसके बाद से मैं इसको तैयार करूँगी, पूनी करूँगी और क्रीम वगैरह लगा के इसको तैयार करके फिर भेजूँगी स्कूल। और मैं एक तरफ लंच बनाती हूँ, तब तक मेरे जो हस्बैंड है वो डुगू को नहला के उसको तैयार कर देते हैं, और इसको जाएंगे छोड़ने, छोड़ कर आएंगे फिर वो खुद जाएंगे तैयार होने, क्योंकि उनको अभी ऑफिस जाना है। तो डुकू का लंच मैं पैक कर चुकी हूँ और जो भी डुकू का बैग है वो तैयार कर चुकी हूँ। आएंगे हस्बैंड, फिर उनका मैं लंच पैक करूँगी और उनको जाना है अभी ऑफिस। गाइस, डुकू जो है वो रेडी हो गया है कहाँ जाने के लिए। डुकू इतू और डुकू को हो गया है खांसी, है ना? है, और थोड़ा सा जबरदस्ती भी खांसता है ये, इसलिए। और डुकू को हम लोग दवा दे रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा डुकू, है ना? डुकू छोड़ दो, पापा लेकर जाएंगे वो बैग, चलो। मम्मी ये कितना बैग है? सो एवरीवन, डुकू चला गया स्कूल, डुकू के पापा ले गए हैं उसको छोड़ने, और ये छोड़ के गए स्कूल और मैं जाती हूँ
इसका स्कूल जो है डुकू का वो 12 बजे ओवर हो जाता है, तो मैं जाती हूँ लेने। और सारा का सारा कपड़ा जो है आप देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ है। अभी बारिश वाला मौसम था, लग रहा था कि अभी बारिश होगी, तो मैंने सब कुछ सारा का सारा कपड़ा जो भी कल का गीला था वो मैं बाहर रख आई थी, बट अभी फिर से मौसम ठीक हो गया तो फिर मैं दोबारा अभी जाऊँगी इसको रखने, तो मतलब डालने ताकि थोड़ा सा हवा लगे, सूख जाए। और अभी मैं जाऊँगी फिर से किचन में, मुझे छोले बनाने हैं। डुगू के पापा जो हैं उनको जाना है ऑफिस, तो चलिए व्लॉग में बने रहिएगा। और लग रहा है आंटी भी आ गई काम करने, मैं गेट खोल देती हूँ। सो गाइस, मैं जा रही हूँ अभी पानी गर्म करने ताकि मैं डुगू का जो बोतल है वो साफ कर सकूँ। और यहाँ जो पानी है ये गर्म हो जाएगा, फिर मुझे धोना है डुगू का सारा बोतल। और बोतल जो है वो मैं डेली ही मतलब उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि डुगू जो है अभी मैं आदत लगा रही हूँ डुगू को ग्लास होता है उससे दूध पीने का, बट अभी मतलब स्टार्टिंग है तब वो अभी थोड़ा सा मना करता है पीने के लिए, तो धीरे 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 वो भी आदत में लगा दूंगी ताकि बोतल जो है उसका छूट जाए। बट आपको पता है कि कोई भी आदत ना धीरे 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 छूटती है, तो इसलिए मैं एकदम बिल्कुल फोर्स नहीं करती डुगू को कि नहीं बिल्कुल तुम पियो, क्योंकि अगर मैं जिसने फोर्स करती हूँ ना वो नहीं पी पाता है, वो थोड़ा सा पी के फिर छोड़ देता है, फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है कि भूख लगी है, इसलिए नहीं करती हूँ मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मैं कभी कभी फोर्स करने लगती हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो भी गुस्सा होने लगते हैं कि नहीं उसको ऐसे फोर्स मत करो, ये बच्चा है धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। तो इसलिए मैं पानी रखी हूँ ताकि पानी एक बार गर्म हो जाए, उसके बाद से मैं सारा का सारा बोतल उसका साफ करने वाली हूँ। एवरीवन, सो मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ और अभी जाना डुगू को लाने। और ये देखो मेरा बेड का हाल, बेड पे कल रात में डुगू जो है वो पूरा पानी गिरा दिया है, मतलब आधा बोतल पानी जो है वो बेड पे गिरा दिया है। अच्छी धूप हुई नहीं है इसलिए मैं गदा जो है वो धूप में मैं डाल नहीं सकती हूँ, फिर फैन चला के मैं रखी हूँ कि थोड़ा सूख जाए, उसके बाद मतलब कम से कम चादर डालने लायक हो जाए, उसके बाद धूप होगी उसके बाद मैं डालूँगी। बट कल इतना ज़्यादा रात में बदमाशी कर रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, सारा का सारा पानी बेड पर फेंक दिया, गदा पूरा भींग गया है। मैं बना रही थी खाना और हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, वो भी कुछ काम कर रहे थे, हम दोनों ने देखा नहीं और डुबा के पूरा पानी फेंक दिया। तो यही होता है कि थोड़ा सा मतलब आँख इधर से उधर गया, होता है कि पलक झपकते कांड होना वो चीज़ था। तो अभी मैं ऐसे फैन चला के रखी हूँ और अभी मैं नहा के और पूजा करके भी जस्ट आई हूँ, तो अभी जाना है मुझे डुगू को लाने। मैंने हेयर वॉश किया है, बाल एक जूला मैंने इसलिए बनाया क्योंकि डुगू को गोद में लाना पड़ता है, तो डुगू ना कभी कभी बाल जो है वो घींचता है, इसलिए मैं जूरा बना के लाती हूँ उसको, स्कूल से जाऊँगी लाने। और 12 बजने वाले हैं तो डुगू का जो बोतल है मैं वैसे रखी हूँ, आऊँगी फिर साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद से जो बेडशीट वगैरह है सब कुछ डालूँगी। तो अभी टाइम आई थिंक अभी हाँ 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट के बाद निकलूँगी डुगू को लाने। हे एवरीवन, तो मेरा बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और डुगू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, डुगू को ना सर्दी जुकाम हो गया है, तो मतलब दवा दे रहे हैं अभी वो जल्दी ठीक हो जाए, और अभी जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं अभी खाना निकाल रही हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, तो खाना खा के उसके बाद से देखते हैं कि क्या करना है। और आज खाने में बनाई हूँ चावल और छोले, क्योंकि आज ये हस्बैंड का मन था कि चावल छोले बनाओ, मैंने बोला भी कि दाल या भुजिया कुछ ही बना देती हूँ, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सिर्फ चावल बनाओ और छोले बनाओ। क्योंकि क्या हो जाता है ना हमारा मतलब ऑफिस के चक्कर में सिर्फ हम रोटी रोटी खाते हैं, मतलब पराठा रोटी ऐसे में बना कर देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था चावल खाए हुए, मतलब हो जाता है। वैसे मैंने शायद परसों खाए थे हम चावल, हाँ, बट ऐसा हो जाता है कि 4 दिन 5 दिन ऐसे हो जाता है मैंने चावल खाए हुए, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं आज छोला और चावल खाने का मन है, तो आज मैं वही बनाई हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर गर्म कर रही हूँ छोले खाने के लिए, मैं भी खाऊंगी थोड़ा सा डुगू को भी खिलाऊंगी, तो चलिए निकालती हूँ खाना। सो गाइस, खाना जो है वो निकल चुका है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। और एवरीवन, सो खाना हमारा हो चुका है और अभी मैं लेकर आ गई इतना सारा कपड़ा, ये सबको फोल्ड करना है, और क्योंकि ये कल का कपड़ा है, कल बारिश हुई थी सूखा नहीं था, आज सब कुछ सारा का सारा कपड़ा जो है वो सूख गया है, तो लेकर आई मैं फोल्ड करने। और एक बार मैं फोल्ड कर दूंगी उसके बाद फिर से मैं बाहर रखी हूँ कपड़ा बहुत सारा, तो बाद में शाम में देखती हूँ डुगू सो जाएगा उसके बाद मैं उसको फोल्ड करूँगी। तो फिलहाल जो भी है कपड़ा इसको फोल्ड कर देती हूँ। We'll be right back.
गाइस कपड़ा जो है मेरा सारा का सारा फोल्ड हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ इसको एक जगह रख देने और बाकी जो भी कपड़ा है वो लेकर आऊँगी और फिर फोल्ड करूँगी और इसको रख देती हूँ ताकि पीछे से डुगु थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। डुगु हटो, यहाँ पर कपड़ा रखेगी मम्मा, हटो जल्दी हटो वहाँ से। और अभी और जो भी कपड़ा था वो फोल्ड हो चुका है। अभी मुझे पिलो कवर चेंज करना है क्योंकि पिलो जो है वो ऐसे ही है, मैंने अभी इसका कवर नहीं लगाया है, तो मैं अभी जा रही हूँ कवर लगाने। बाकी सो गाइस अब मैं जा रही हूँ डुगु के लिए थोड़ा सा, डुगु का बोतल अभी साफ़ करना है, साफ़ करके उसके बाद से डुगु का दूध दे के मैं डुगु को सुला दूँ और सुलाने के बाद से मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम करूँगी। तो सारा का सारा जो बोतल है डुगु का भी वैसे ही पड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ डुगु का बोतल है। चलिए फटाफट डुगु का जो बोतल है वो साफ़ करके उसको दूध देते हैं। तो ये डुगु का जो दूध है वो हो चुका है गर्म और अभी डुगु दूध पिएगा। डुगु मोबाइल बंद करो जल्दी से, ये पिल्लो है ना, चलो अच्छे से अच्छे से ऊपर जाओ जल्दी से, चलिए ये दूध पियो जल्दी से, गुड बाय। 2 hours later तो शाम के अभी बजने वाले हैं 7, मैं जा रही हूँ अभी दिया जलाने और उसके बाद से देखती हूँ, पूछती हूँ अपने हस्बैंड से कि वो कब आएंगे, फिर मैं बनाऊँगी चाय। और अभी बारिश की वजह से ऐसे 7 बजे यहाँ शाम होती है, बट अभी मतलब ऐसा लगा ना कि पूरा अंधेरा हो गया है, वैसे ऐसा अंधेरा 7 बजे तक हल्का हल्का होता है दिल्ली में, बट अभी लग रहा है बारिश की वजह से कि कितना रात हो गया है। तो बारिश की वजह से मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है और मौसम चेंज की वजह से सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मतलब होता ना कंधे से वीकनेस, एक तो हाथ में दर्द वैसे ही है और थोड़ा सा अंदर से वीकनेस जैसा फील हो रहा है, ये मौसम चेंज की वजह से हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट थोड़ा सा दिया जला देती हूँ, उसके बाद से फिर देख। सो एवरीवन इस ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय।